आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने पूरा च्यवनप्राश का जो ट्रेडिशनल तरीका है कि च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था, ऐसे च्यवनप्राश बनाया था, जो बूढ़ा च्यवन ऋषि था वो जवान हो गया था। तो सारी जड़ी बूटियाँ हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, ये अलग अलग औषधियाँ, और इनको कूट करके इनसे पहले तो क्वाथ बनाते हैं, और क्वाथ बना करके और ज़्यादा ना मिल पाए औषधियाँ तो कम से कम ये 10 मूल जरूर मिल जाता है। इसको 1 किलो पानी में पकाएं, जब 250 ग्राम बच जाए 10 मूल का, तब उसके अंदर ऐसी चाशनी फिर पकानी चाहिए। ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, बहुत गाढ़ी हो जाती है, और जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये तरकीब भी बहुत कम लोगों को पता है। जब ये इतनी गाढ़ी हो जाए चाशनी, और गाढ़ी होगी अभी, इतनी गाढ़ी हो जाए कि जब इसको ऐसे, एक तो ये इसका तार नहीं टूटना चाहिए, लेकिन इसका एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है जो हमने अपने गुरु बलराम देव जी से सीखा था जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो इसको ऐसे जब पानी में डालते हैं तो नीचे ये जम जाता है, ये जम जाता है। जैसे अब ये, इसको गोली वाली चाशनी कहते हैं, आपने देखा, अब ये अब गोली वाली चाशनी इसको कहते हैं, अब ये गोली वाली चाशनी हो गई कि ये जो चाशनी है अब ये इसके अंदर घुल नहीं रही है पानी के अंदर। तो ऐसी ये गोली वाली चाशनी, हम ऐसे बच्चे थे गुरुकुल में, तब च्यवनप्राश के पास इसलिए जाया करते थे कि वहां गोली बना करके और इसको खा लेते थे, तब चाशनी पूरी तैयार है। और देखो, आपके सामने पिष्टी बनाई थी, पिष्टी डाली थी, इसमें गाय का घी था, अब ये पिष्टी तैयार हो गई है, और इसके अंदर अब ये पिष्टी इस चाशनी में डाल देंगे। आज मैं पूरा प्रिपरेशन बता रहा हूं कि घर में कैसे बनाना है। स्वामी जी, आंच बंद कर दी गई है या अभी भी मध्यम आंच है? आंच मध्यम आंच चल रही है अभी, और इसको हटा लो बेटा, अभी इधर वो दूसरा कटोरा रखो। अभी अभी देखो, इसको हिलाओ बेटा, तुम इसको हिलाते रहो। अभी इसमें मैं शिलाजीत बनाना सिखाऊंगा, इसके अंदर थोड़ा शतावर चूर्ण डाल दे, ये पतंजलि का मिलता है, बेटियों को शतावर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम जरूर खाना चाहिए। जो बेटियां शतावर चूर्ण का प्रयोग करती हैं, ये शतावर थोड़ा सा जम जाता है, तो नए वाला शतावर देने बेटा, उधर से नए वाला शतावर चूर्ण। तो ये शतावर चूर्ण जो है ये ताकत के लिए, बेटियों को ये जो शतावर चूर्ण है ये तो दूध के साथ ऐसे भी खाना चाहिए। ये ऐसे शतावर चूर्ण ऐसे होता है, देखो ये शतावर बहुत अच्छा होता है, शतावर, सफेद मूसली, शतावर और सफेद मूसली ताकत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अश्वगंधा थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए उसको ज्यादा मात्रा में नहीं डाल सकते। तो ये अश्वगंधा और शतावर, यानी 200 ग्राम जो है, यदि आपका पिष्टी है तो इधर 50 ग्राम घी में पका ले 200 ग्राम पिष्टी। तो अब हर घर में स्वामी जी इस तरीके से बनेगा च्यवनप्राश और बेटियां बनेंगी मजबूत। स्वामी जी, बस अब लास्ट बता रहा हूं। जी जी, लास्ट जो है एक कपड़ा दे दो। ये देखो, हमने ये शिलाजीत जो है उसको पानी में भिगो दिया था, शिलाजीत को लास्ट बता रहे, आधा मिनट का काम है। शिलाजीत को पानी में भिगो दिया, इसको नितार देते हैं, उसको पानी को ऐसे छान देते हैं, और छानने के बाद में इसके नीचे जो है ये काला काला पानी इकट्ठा हो जाता है। अब इस काले काले पानी को पकाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। ये तो ये शिलाजीत तैयार हो गई। इधर से ये जो च्यवनप्राश है, अब ये च्यवनप्राश घरेलू च्यवनप्राश तैयार हो गया बिना चीनी के, और इसके अंदर थोड़ा सा इलायची डाल दे, थोड़ा सा इसके अंदर जो है बादाम और ये मुनक्का, जो भी पिस्ता, वो भी जो भी डालना चाहे वो डाल करके, तो ये घरेलू च्यवनप्राश की रेसिपी तैयार हो गई है। और ये तो मैं आप तक भी भेज सकता हूँ, क्योंकि खराब नहीं होगा ये। जब गोली वाली चाशनी तैयार हो जाती है, हम यही कह सकते हैं स्वामी जी, हमें डालना चाहे तो डाल सकता है। तो ये आज पूरी जबरदस्त रेसिपी, तो ये च्यवनप्राश खिलाए, योगाभ्यास कराए, अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाए कि दरिंदे उनके आसपास फटक ना पाए, और कोई फटक जाए तो सीधे
वो द्यूलोक को जाएं, ब्रह्मलोक को जाएं।